अब तक दुनिया का कोई भी देश पूरी तरह से तंबाकू मुक्त नहीं है, लेकिन तंबाकू सेवन के खिलाफ जारी अभियान में रूस सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। अगर इस फैसले को सही तरीके से लागू किया गया तो रूस दुनिया का पहला तंबाकू मुक्त देश बन जाएगा, जो अपने आप में एक मिसाल होगा, क्योंकि दुनिया का कोई भी देश पूर्ण रूप से तंबाकू मुक्त नहीं है। दरअसल रूस सरकार ने हाल ही में एक अध्यादेश लागू किया है, जिसके तहत साल 2015 के बाद जन्म लेने वाला कोई भी बच्चा तंबाकू संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की बिक्री नहीं करेगा। इस बात की जानकारी रूसी स्वास्थ्य मंत्री ने दी है। रूस मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने विभिन्न संघीय एजेंसियों को दस्तावेज भेजे हैं। यह प्रस्ताव साल 2033 से रूस में प्रभावी हो जाएगा, जब 2015 में जन्मे बच्चे 18 साल के हो जाएंगे। रूस के संसदीय स्वास्थ्य समिति के एक सदस्य ने कहा है कि वैचारिक रूप से यह लक्ष्य बिल्कुल सही है। वहीं रूसी मीडिया की माने तो साल 2016 में रूस में धूम्रपान करने वालों में 10% की गिरावट देखी गई है। तो रूसी मीडिया के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने विभिन्न संघीय एजेंसियों को दस्तावेज भेज दिए हैं और जल्द से जल्द इस योजना को अमल में लाया जाएगा। देखते रहिए डीबी लाइव।